Sir, every fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. टुडे 25 जून 2019 ट्यूजडे सुबह के 8:36 हो रहे हैं. कल हफ्ते के पहले दिन फिर से हमने देखा कि निफ्टी इंडेक्स शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है. तो अभी ये फिलहाल देखे तो यहाँ से कंसोलिडेशन फेज दिखाई दे रहा है. अगर लास्ट पास्ट में अगर देखे कि बजट के पहले कुछ दिन निफ्टी इंडेक्स में ये इनडिसिजिव मूव देखने को मिलता है, ना ही अप ट्रेंड आता है ना ही डाउन ट्रेंड आता है. एक पर्टिकुलर फेज में ये ट्रेड करता है जब तक बजट डिक्लेयर ना हो. तो क्या आज इंट्राडे के लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 24 जून 2019 आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा है 11,799 के पास और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,704. ये लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई किए थे अगर ये देखना है तो हमारा आप कल का वीडियो रिफर कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएगी. ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. तो ब्रेकडाउन लेवल जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ तो हमारा ये फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट मॉर्निंग के सेशन में ही ऑलमोस्ट अचीव हुआ था. 11,687 का लो लगाया था. बाद में फिर से एक बार इसने जैसे ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया, हमारा टारगेट भी एग्जैक्ट यहाँ पर अचीव हुआ, फर्स्ट टारगेट. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू. एक बार ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार भी देखे तो वहां पर भी एक कंसोलिडेशन फेज मिला जुला कारोबार देखने को मिला. डाउ जोन्स हल्की से बढ़त के साथ बंद हुआ और नासडैक में 19 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली. यूरोपियन बाजार भी देखे तो वहां पर भी मिला जुला कारोबार देखने को मिला, ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्के जापानीज मार्केट 107 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, चाइना मार्केट 53 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और हांगकांग मार्केट में 377 पॉइंट की गिरावट दिखने को मिल रही है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 41 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से प्रेशर के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. चलते हैं निफ्टी का डेली चार्ट से शुरू करेंगे. यह निफ्टी का डेली चार्ट. अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर 20 एमए का ये जो पिंक लाइन है ये हमारा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का लाइन है. तो इसके बीच में 50 और 20 के बीच में अभी ये ट्रैप हो चुका है. तो देखे तो ये नो ट्रेडिंग जोन है. यहाँ पर कंसोलिडेशन जब तक ये मूविंग एवरेजेस को ब्रेक नहीं करता, इसके बाहर नहीं निकलता, काफी रिस्की हो सकता है. आप देख सकते हैं ये परसों के दिन यानी थर्सडे का जो ट्रेडिंग सेशन था इसमें इसने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनाया, फिर से अभी दो बेयरिश कैंडलस्टिक बना के फिर से 50 का ईएमए ये टेस्ट कर रहा है. तो अभी इसे अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ये लास्ट जो लोअर हाई है, लोअर लोज बनाया है ये अभी अगर ब्रेक होता है तो ये यहाँ से ये जो डाउन ट्रेंड शुरू हुई है ये यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है. अगर यहाँ से ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है और ये प्रीवियस हाई लोअर हाई को ब्रेक करता है इसको और ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर ये डबल बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगा जो हमने प्रीवियस दो वीडियो के पहले देखा था जहाँ पर 10 मिनट के चार्ट में ये डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना था. तो अपसाइड मूव के लिए यहाँ पर ऐसा बुलिश पैटर्न बनना जरूरी है, लोअर हाईज प्रीवियस हाई को ब्रेक करना बहुत जरूरी है तो ही हम यहाँ से अपसाइड मूव देख सकते हैं. अगर नहीं, अगर ये लोअर लो को ब्रेक करता है प्रीवियस लोअर लो को तो यहाँ से और भी टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव हो सकते हैं और तभी हमारा यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट इमीडिएट 11,500 के पास होगा जहाँ पर ये 100 ईएमए का भी लाइन आ रहा है और 61.8% का भी ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल आ रहा है. तो यहाँ पर अभी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म मतलब ओवरनाइट ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर अभी नो ट्रेडिंग जोन है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा. इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं. ये 60 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. 60 मिनट अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये S1 का जो लेवल है ये 11,661
इसके नीचे हमने डेली चार्ट में ये देखा ब्लू लाइन यानी 50 ईएमए आ रहा है, वो अराउंड 11669 के पास है। तो हम यहाँ पे अगर ये 11657 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जहां पर ट्वीजर बॉटम बनाया था इसने पास्ट में यहाँ पर 11640 के पास, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 11624, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर लास्ट एज पर 60 मिनट चार्ट लोअर हाईज बन रहा है यहाँ अराउंड 11725 के पास और 20 ईएमए भी लगभग उसी लेवल के पास है, तो ये काफी रेजिस्टेंस के लेवल है अगर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो। काफी रिस्की होगा बाय पोजीशन बनाना, जो कंपल्सिव ट्रेडर्स है वही बाय के लिए आज देखे। अगर ये अभी 20 ईएमए आ रहा है 11730 के पास, ठीक है, ये जैसे ही मार्केट मूव होगा ये आगे आगे बढ़ेगा या फिर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो 20 ईएमए को जैसे ही ब्रेक करे इसके ऊपर सस्टेन करे 20 ईएमए के ऊपर तो ही हम यहाँ पे बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट क्विकली टारगेट होगा 11745 और सेकेंड टारगेट होगा ये 50 ईएमए जो कि अभी अराउंड 11760 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, आपके दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।